गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है डे 16 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं प्लेनेट क्राफ्टर। ये गेम सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस गेम में हम जाने वाले स्पेस में मार्स प्लेनेट पर, उधर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से इस गेम को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपनी स्पेस शटल में और हम लैंड करने वाले हैं मार्स पर। और हमारा स्पेसशिप लगता है यहाँ पर क्रैश होने वाला है और ये क्रैश यहाँ पर हो चुका है। और गाइस अभी आप देख सकते हो हमारी एंट्री हो चुकी है एकदम सल्लू भाई के स्टाइल में सीधा मार्स पर। ये हमारा स्पेस शटल था जिसमें हमारा क्रैश हुआ और हम मार्स पर आ चुके हैं। ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टोरेज क्रेट है जहाँ पे हमारा स्पेस फूड है, ऑक्सीजन है और स्पेस वाटर भी हमारे पास है। और मुझे लगता है यहाँ पर हमारी क्राफ्टिंग टेबल है, हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्राफ्ट कर सकते हैं। हमारी ऑक्सीजन लेवल का हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम स्पेस में ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये क्या चीज है? सिलिकॉन। रुक जाओ, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलने वाली है। आइस भी कलेक्ट कर लेते हैं। हमें अलग अलग स्टोन मेटल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। मैग्नीशियम भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है। ये स्पेस सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मैं तो मार्स पर पहली बार आया हूँ, आप कितनी बार आ रखे हो फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो। और कैसे मेरा ऑक्सीजन लेवल आप देख सकते हो कितना ज्यादा तेज तेज नीचे जाते जा रहे हैं। मुझे अपनी स्पेस शटल के पास रहना चाहिए। अगर मैं ज्यादा दूर गया और अगर मेरा ऑक्सीजन खत्म हुआ तो मैं कभी भी मर सकता हूं, तो मुझे उसका ध्यान देना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल यहां पर लो हो चुकी है। फटाफट से चलते हैं अपने स्पेस शटल में और यहां पर थोड़ी ऑक्सीजन ले लेते हैं। मुझे यहाँ पर क्राफ्ट करना पड़ेगा ऑक्सीजन टैंक। उसके लिए मुझे चाहिए आयरन। कोबाल्ट मेरे पास है, मैग्नीशियम मेरे पास है, मुझे सिर्फ आयरन चाहिए होगा। तो फटाफट से आयरन ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। ये आयरन है क्या? ये तो आइस है। मुझे आयरन चाहिए, आयरन आयरन आयरन। ये भी कोबाल्ट है, ये क्या चीज है? आइस। ये आयरन ढूंढना लगता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर और भी आइस है, मैग्नीशियम नहीं चाहिए, मुझे आयरन चाहिए। आयरन आयरन मुझे यहाँ पर मिल चुका है। और एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे क्रेट भी दिखाई दे रही है। इधर यहाँ पर स्पेस फूड है, आयरन भी है। तो फटाफट से इनको यहाँ पर डाल लेते हैं। रुक जाओ, मेरे पूरी की पूरी इन्वेंटरी भर चुकी है, मुझे वापस से वहां पर जाना चाहिए। और कैसे मेरी ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, मुझे जल्दी से स्पेसशिप तक पहुंचना पड़ेगा। मेरी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पहुंचा। और ये मैं आराम से यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। सबसे पहले अपन यहाँ पर जाएंगे और जितना सामान यहाँ पर रख सकते हैं वो रख देते हैं। पहले एक मिनट, आयरन से मैं अपना ऑक्सीजन टैंक बना लेता हूँ। और कैसे ऑक्सीजन टैंक हमने यहाँ पर अपना बना दिया, ये देखो हमारे पास आ चुका है। अब इस ऑक्सीजन टैंक को अपन ने यहाँ पर पहन लिया है। और गाइस बाकी की सारी चीजें इधर रख देते हैं। और हमें खाना पानी भी चाहिए होगा, तो खाना भी एक ले लेता हूँ मैं, ताकि बीच में रास्ते में काम आ गया। तो अभी हमारी ऑक्सीजन टैंक की मदद से 145 ऑक्सीजन हो गई है, पहले हमारी सिर्फ 100 थी। अभी मैं जाऊंगा उसको हम लूटने वाले हैं, देखते हैं हमें उसमें क्या क्या मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं मार्स कितना ज्यादा बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, फटाफट से सारी की सारी चीजें ले लेते हैं। इरिडियम हमें यहाँ पर मिल चुका है और स्पेस फूड भी मिल चुका है। चलो इसको तो हमने लूट लिया, हमारी इन्वेंटरी यहाँ पर फुल हो चुकी है। तो मुझे वापस से वहां पर जाना चाहिए, देखते हैं हम और क्या क्या चीजें मंगा सकते हैं। मुझे पता है हम एक बैकपैक जरूर बना सकते हैं क्योंकि तभी तो हम सारा सामान यहाँ पर रख पाएंगे। फटाफट से यहाँ पर आ जाते हैं, इस क्राफ्टिंग टेबल पर जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 आयरन, तो 1 आयरन तो मेरे पास है यहाँ पर। मुझे 1 आयरन और चाहिए होगा अगर मुझे बनानी है अपने लिए बैकपैक। तो फटाफट से आयरन ढूंढ लेते हैं। आयरन 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 आयरन, रुक जाओ इसमें होगा आयरन। रुक जाओ, आयरन मिली है यहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे आयरन मुझे मिल चुका है, मेरी इन्वेंटरी फुल है। और यहाँ पर मुझे एक और डब्बा यहाँ पर क्रेट दिख चुका है, इसको भी आकर लूटेंगे। पहले फटाफट से अपना बैकपैक यहाँ पर बनाते हैं। 2 आयरन चाहिए, 2 आयरन हो तो गए, 1-2। और हमारा बैकपैक भी यहाँ पर बन चुका है, फटाफट से इसको कर लेते हैं इक्विप। इसको इक्विप करने से हमारी और भी ज्यादा इन्वेंटरी यहाँ पर बढ़ चुकी। मैं यहाँ पर और भी क्रेट्स बाद में बना पाऊंगा ताकि हम और भी चीजें कर पाए। कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए हमें मैग्नीशियम, माइक्रोचिप कंस्ट्रक्शन, टॉर्च डीकंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर माइक्रोचिप बनानी है, तो देखते हैं माइक्रोचिप के लिए क्या क्या सामान चाहिए। 2 मैग्नीशियम मुझे चाहिए, मुझे लगता है मैग्नीशियम मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कहीं, तो मिल जा नहीं है, मुझे मैग्नीशियम जाकर लेकर आना पड़ेगा। फिर हम उसके बाद माइक्रोचिप बना पाएंगे, देखते हैं वो क्या काम आने वाली है। ये क्या मैग्नीशियम, ये भी नहीं है। मैग्नीशियम क्या होता है? मुझे मैग्नीशियम यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। मैग्नीशियम 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 कहाँ है? रुक जाओ, इसके अंदर हो सकता है मैग्नीशियम। ओके, 1 मैग्नीशियम मुझे यहाँ पर मिल चुका है, बाकी की मुझे चीजें नहीं चाहिए अभी। और मैग्नीशियम
मुझे कहाँ मिलेगा, मेरी ऑक्सीजन लेवल अभी मेरे पास अच्छी खासी पड़ी है यहाँ पर, और मुझे लगता है यही वो मैग्नीशियम है, तो फटाफट से इसको ले लेते हैं। तो दो मैग्नीशियम मेरे पास हो चुके हैं, फटाफट से चलते हैं वापस से अपने कंटेनर के अंदर। अभी फिलहाल के तो यही हमारा घर है, पर धीरे धीरे हम इस पूरे के पूरे मार्स को अपना घर बना लेंगे, और जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। यहाँ पर अपन बनाने वाले हैं अपने लिए खतरनाक सी माइक्रोचिप। माइक्रोचिप यहाँ पर बन चुकी है, ये काम की क्या है मुझे पता नहीं। क्राफ्ट लिविंग कंपार्टमेंट। और गाइस अभी आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है बनाने की। आप देख सकते हो यहाँ पर बना सकते हैं एक लिविंग कंपार्टमेंट, डोर, स्टेयर्स, लाइट और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 आयरन और 1 टाइटेनियम, और यहाँ पर ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। विंड टर्बाइन, इसके लिए 1 आयरन चाहिए। रुक जाओ, 1 आयरन तो मेरे पास पड़ा होगा शायद, मेरे पास 1 भी आयरन यहाँ पर बिल्कुल ही आयरन खत्म ही कर दिए मैंने। कोई बात नहीं, अभी जाकर ले आएंगे, पहले उससे पहले थोड़ा खाना पानी पी लिया जाए। तो गाइस अभी हमने अपना खाना और पानी यहाँ पर पी लिया है। पानी कहाँ पर है यार, पानी फटाफट से इसको भी पी लेते हैं। तो मेरे पास पानी और की भी कमी है, तो मुझे इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। वाटर बॉटल तो मैं यहाँ पर आराम से बना ही सकता हूँ, ये हमारी वाटर बॉटल यहाँ पर बन भी चुकी है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमें क्या बनाना है। सबसे पहले चाहिए हमें 2 आयरन 1 टाइटेनियम। टाइटेनियम ढूंढना थोड़ा मुश्किल होने वाला, इतना मुझे कंफर्म पता है। तो चलो फटाफट से एडवेंचर पर निकल लेते हैं। और टाइटेनियम मैं बोला था ढूंढना मुश्किल होने वाला, तो इधर ही पड़ा है। और यहाँ पर मुझे 2 आयरन भी मिल चुके हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था, मुझे लगा बहुत ही मुश्किल होगा ये। अब यहाँ पर हम लिविंग कंपार्टमेंट अपना बना सकते हैं, कोई खाली जगह ढूंढकर बनाना चाहिए। यहाँ पर खाली जगह लग तो रही है, क्या हम माउंटेन पर बनाए? चलो ठीक है, यहीं पर बना देते हैं। वार्निंग, लो पावर यहाँ पर हमारे पास हो चुकी है, मुझे पावर के लिए बनाना पड़ेगा विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन के लिए 1 आयरन मुझे चाहिए, तो फटाफट से आयरन ढूंढ लेते हैं एक, ताकि हम विंड टर्बाइन यहाँ पर बना पाए। हम ढूंढेंगे टाइटेनियम, यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए आयरन आयरन आयरन, और ये आयरन भी यहाँ पर मिल चुका है। फटाफट से यहाँ पर लेते हैं विंड टर्बाइन और जस्ट अपने बेस के पास में बनाएंगे, ताकि गाइजर एनर्जी फुल स्पीड में यहाँ पर आती रहनी चाहिए। ओके, पावर यहाँ पर हमारा लग चुका है, ये खुलेगा कैसे? और चाचा मुझे अंदर ले लो। रुक जाओ, मेरी ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो चुकी, फटाफट से अंदर घुस जाते पहले। मुझे यहाँ पर चाहिए होगा एक डोर अंदर जाने के लिए, जिसके मुझे चाहिए 1 और आयरन। तो फटाफट से 1 और आयरन जमा करते हैं, ताकि हम इस अपने लिविंग कंपार्टमेंट के अंदर जा पाए, ये नहीं चाहिए। ओके, मुझे सामने अभी आयरन यहाँ पर मिल चुका है, और ये क्या चीज है, सिलिकॉन, इसको भी जमा कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा। अभी हमारा डोर का सामान यहाँ पर बन चुका है, फटाफट से लेकर जाते हैं इस डोर को और लगा देते हैं यहाँ पर। और गाइस आप देख सकते हो हमारा लिविंग कंपार्टमेंट यहाँ पर बढ़िया सा बन चुका है। ओके, तो अब हमें चाहिए यहाँ पर अपने लिए एक ड्रिल, टाइटेनियम और आयरन। मुझे ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, और मुझे एक हीटर भी बनाना है, ताकि मैं थोड़ा गर्म भी रह सकूं, वरना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। तो उससे पहले हमें चाहिए टाइटेनियम और आयरन, तो फटाफट से ढूंढने निकल जाते हैं। और कैसे आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और वहां पर क्या हो रहा है, 1 सेकंड, ऊपर से मीटेराइट्स गिर रहे हैं। अबे ये तो मुझे नहीं बताया था, ये मुझे पता नहीं था कि मार्स में ये सब भी होएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा वेदर, टेम्परेचर, सब का सब चेंज हो चुका है, मीटेराइट्स ऊपर से गिरते जा रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी आयरन ढूंढ लेना चाहिए। ओके, आयरन यहाँ पर मिल गया, और अब मुझे 1 टाइटेनियम चाहिए होगा। टाइटेनियम का है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ऊपर से खतरनाक मीटेराइट्स गिरते जा रहे हैं। अगर मेरे ऊपर एक भी गिरा तो मेरी हालत तो यहाँ पर खराब होने वाली है। टाइटेनियम किधर है? ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर मेरा लो हो चुका है, मुझे वापस से जाना पड़ेगा अपने बेस के अंदर। ये टाइटेनियम क्या, टाइटेनियम बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है ढूंढना। और अभी हम वापस से अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस ये जगह धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है, मैं इसको जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। पर मुझे टाइटेनियम मिल ही रहा, मुझे पता था टाइटेनियम मिल गया। मैं जब भी बोलता हूँ कि बहुत ही मुश्किल होगा ढूंढना, सीधा मिल जाता है। यहाँ पर आयरन भी मिल चुका है, इसको फटाफट से उठा लेते हैं, और अपन चल के अपनी ड्रिल भी लगा लेते हैं अपने घर के पास। ये विंड टर्बाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ड्रिल। ड्रिल हम लेकर जाएंगे हमारे घर के पास, बिल्कुल लगा देते हैं जहां पर हमने टर्बाइन लगाया था। लेट्स गो, यहाँ पर डन हो चुका है। अब हमें चाहिए क्राफ्ट स्क्रीन। क्राफ्ट स्क्रीन क्या होता है, हमें चाहिए होगी ये स्क्रीन कहां पर लगाई जाए। और गाइस स्क्रीन हमारे यहां पर लग चुकी है, आप देख सकते हो ऑक्सीजन लेवल, हीट लेवल और प्रेशर लेवल यहाँ पर ये चलना शुरू हो चुका है। और हमें चाहिए ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स के लिए हमें चाहिए 1 आयरन। चलो फटाफट से आयरन यहाँ पर जमा कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी है, पक्का आयरन मिल जाएगा। आइस नहीं चाहिए, मैग्नीशियम नहीं चाहिए। आयरन कैसा दिखता था मैं तो भूल भी गया। मैग्नीशियम, टाइटेनियम, आयरन, लेट्स गो, भी आयरन मिल चुका है। मैग्नीशियम भी और टाइटेनियम भी हमें बहुत मुश्किल से मिल रहा है, टाइटेनियम भी यहाँ पर जमा कर लेते।
थे। ब्लूप्रिंट हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, फटाफट से इनको लेकर चलते हैं और अपने अंदर लगा लेते हैं यहाँ पर। और रात यहाँ पर लग रहा है ऐसे होने लग गई है। ब्लूप्रिंट यहाँ पर खोलेंगे और ब्लूप्रिंट्स भी यहाँ पर लगा देते हैं। कहाँ लगाया जाए? ब्लूप्रिंट्स हमने यहाँ पर रख दिए, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा रख दिया पर कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखते हो बैकपैक, यहाँ पर सोलर पैनल, बैकपैक सोलर पैनल, अलग अलग लेवल के हमें यहाँ पर चीजें मिल चुकी है। अब हमें चाहिए होगा अपने लिए हीटर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। तो हमें चाहिए एक इरेडियम, आयरन और सिलिकॉन। सिलिकॉन और इरेडियम मेरे पास पड़े। और गाइस वो कौन सा प्लेनेट है? वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर अलग अलग प्लेनेट मुझे दिख रहे हैं। ये पूरा ग्रीन है, वो पूरा लाल है और वहां पर एक और प्लेनेट है। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर अपन जाएंगे, इरेडियम अपना ले लेते हैं वापस, और सिलिकॉन भी हमारे पास यहाँ पर पड़ा है। सिर्फ एक आयरन चाहिए ताकि मैं हीटर बना सकूं। ये कितना बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, ये एनर्जी जनरेट करता जा रहा है। अब मुझे आयरन चाहिए होगा, लेट्स गो। अभी आयरन की खोज पर हम निकल चुके हैं और आयरन यहाँ पर मिल चुका है। अभी तो हमें खोज करने बार बार जाना पड़ रहा है। एक बार हम क्रेट्स बना लेना, फिर मैं सारी की सारी चीजें इधर ही रख दूंगा। अभी हम बनाएंगे अपना हीटर। हीटर हमें अंदर ही रखना पड़ेगा, यहाँ पर रख देते, कोने में हीटर लगा देंगे। लो पावर यहाँ पर हमारी हो चुकी है, मुझे लगता है ये इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा है। तो हमें एक और विंड टर्बाइन बनाना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए हमें एक और आयरन। तो फटाफट से चलते हैं आयरन ढूंढते हैं। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा अभी थोड़ा पानी पी लेना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए ताकि मैं मर मुरा ना जाऊं ऐसे ही। अब यहाँ पर निकल जाते हैं आयरन ढूंढने। आयरन कहाँ है? आयरन कहाँ है? रुक जाओ, आयरन यहाँ पर मिल गया। आयरन मुझे यहाँ पर मिल चुका है। फटाफट से विंड टर्बाइन यहाँ पर लगा देते हैं। कहाँ पर है? एक और विंड टर्बाइन यहाँ पर लगा देंगे ताकि एनर्जी फुल स्पीड में आती रहनी चाहिए। लेट्स गो, पावर यहाँ पर रिस्टोर्ड हो चुकी है। अब हमारा हीटर भी यहाँ पर चलने लग चुका है। अब हमें यहाँ पर चाहिए वेजी ट्यूब। मैं ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बनाने वाला हूँ। आयरन और मैग्नीशियम चाहिए। सुबह हो चुकी वापस से, मतलब सुबह रात सब एक ही लगता है, बस थोड़ी रोशनी आ जाती है तो मुझे लगता है सुबह हो चुकी है। मुझे लगता है सन ऐसे टाइम पास कर रहा होगा। आयरन और मैग्नीशियम चाहिए, तो फटाफट से यहाँ पर मैग्नीशियम जमा कर लेते हैं। सामने आयरन भी मुझे दिखने लग चुका है, इसको भी यहाँ पर ले लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो, जब हम आए थे तो सिर्फ ये था हमारा स्पेस शटल। धीरे धीरे हमारा बेस यहाँ पर बनने लग चुका है, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर 100 साल बिताने वाला हूँ ताकि हम पूरी की पूरी रिसर्च कर पाए क्या चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन वेजी ट्यूब ले लेते हैं। क्या मैं इसको बाहर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, या इसको भी अंदर ही रखना पड़ेगा। वेजी ट्यूब भी यहाँ पर अपना बन चुका है और हमें चाहिए क्राफ्ट स्क्रीन। मुझे लगता है यहाँ पर हमारी पावर वापस से जा चुकी है। मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए होगा ताकि मैं जल्दी जल्दी और भी पावर की चीजें बना पाऊं। मुझे चाहिए विंड टर्बाइन, उसके लिए चाहिए आयरन। एक काम करता हूँ, इस बार निकलते 5-6 आयरन जमा करके लाता हूँ। एक आयरन यहाँ पर मिल चुका है, टाइटेनियम भी जरूरी होता है, इसको भी रख लेते हैं। अब मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए ताकि मैं एक ही बारी में बहुत सारे विंड टर्बाइन बना सकूं, उसकी मदद से हमारी पावर कभी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मुझे 3 आयरन ऑलरेडी मिल चुके हैं, और भी ढूंढ लेते हैं। जब तक हमारी ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रही मैं और भी जमा करता जाऊंगा। यहाँ पर और भी आयरन मिल चुका है, फटाफट से मैं बहुत सारे आयरन यहाँ पर जमा कर लेता हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 3-4-5 टोटल टर्बाइन लगा दिए, जो कि हमारी मदद करने वाले इलेक्ट्रिसिटी जमा करने में। और ये क्या बड़ा है, आयरन, एक और आयरन मिल गया। और कैसे लगता है यहाँ पर टोर्नेडो आने वाला है, फिर से मौसम खराब हो रहा है बहुत ही ज्यादा। अभी हम फटाफट से अंदर यहाँ पर घुस जाते हैं और आप देख सकते हो हमें यहाँ पर चाहिए एक मैग्नीशियम ताकि हम अपनी स्क्रीन एक और बना सके। भाई ये फिर से मीटियोराइट्स गिरने लगे। रुक जाओ, एक मैग्नीशियम तो यहाँ पर होना चाहिए, एक भी नहीं है क्या? ये लिर्मा सीट में यहाँ पर पेड़ पौधे क्यों लेके आया, मुझे खुद को ही नहीं पता। अभी मुझे एक मैग्नीशियम चाहिए ना, फटाफट से एक मैग्नीशियम ढूंढते और यहाँ से निकलते, क्योंकि इस मौसम में यहाँ पर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। चलो मैग्नीशियम मुझे मिल चुका है, इसको लेकर चलते फटाफट से कूदते कूदते। ये खतरनाक मीटियोराइट्स आप देख सकते हो गिरते जा रहे, पर हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो अभी हमें अंदर रहना चाहिए शांति से। यहाँ पर अपन लेंगे स्क्रीन अपनी और इसको यहाँ पर अपन लगाने वाले हैं। और यहाँ पर हमारी स्क्रीन लग चुकी है। मैंने फिर से उल्टी लगा दी, मेरे को आता ही नहीं है स्क्रीन लगाना। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा बेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी की सारी विंड टर्बाइन और ये लगा दिए। तो हमारी एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और गाइस अभी हमारा कुछ तो नया अनलॉक भी यहाँ पर हो चुका है, T2 ऑक्सीजन टैंक। इसकी मदद से हम लोग एक और बड़ा ऑक्सीजन टैंक बना सकते हैं। 145 को हम 200 तक मेरे ख्याल से हम लेकर जा पाएंगे। और मुझे लगता है हम इसके अंदर थोड़े प्लांट्स भी उगा सकते हैं। तो मेरे पास एक सीड पड़ा है, तो उसको उगा कर देखते हैं क्या ये काम करेगा। फटाफट से इसको यहाँ पर ले लेंगे और ये दो चीजें भी ले लेते हैं।
अभी यहाँ पर फटाफट से चलते और अपना प्लांट उगाते हैं। मार्स पर पहला प्लांट हम ही उगाएंगे। चलो फटाफट से इसको यहाँ पर लगा देते हैं और ये प्लांट यहाँ पर लग चुका है। इससे हमारी ऑक्सीजन भी यहाँ पर हमें मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और हीटर तो हमारा बढ़िया काम कर ही रहा है। तो गाइस अब हमें और क्या बनाना है? तो गाइस सर अभी मैं जाकर बहुत सारी चीजें जमा करता हूँ ताकि हम और भी चीजें यहाँ पर कर पाए। हम इस मार्स को पूरा का पूरा अपना घर जैसा बनाने वाले हैं। इसमें मैं 10-15 फ्लोर भी बना सकता हूँ इसके, तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे। तो फटाफट से बहुत सारी चीजें मैं जमा करता हूँ, फिर आपसे मिलेंगे। A few moments later. तो गाइस सर अभी मैं यहाँ पर आयरन लेने निकल चुका हूँ। वो फटाफट से ढूंढ लेते हैं आयरन कहाँ पर मिलेगा। सामने मुझे आयरन दिख चुका है और गाइस सर अभी आप बहुत ही सरप्राइज होने वाले हो कि मैंने क्या कर दिया है अपने खतरनाक बेस के साथ। चलो आपको फटाफट से दिखाता हूँ, उल्टा होकर जाऊंगा ताकि आपको दिखे नहीं। तो क्या आप तैयार हो देखने के? 3, 2, 1 गो। और गाइस सर आप देख सकते हो मैं डांस करने लग गया। ये देख सकते हो मेरा खतरनाक सा नया नया बेस कितना ज्यादा बढ़िया ये ऑलरेडी चुका है। अब यहाँ अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्राफ्टिंग का मशीन आ चुकी है, ये प्लांट उगाने की मशीन आ चुकी है, हीटर, दोनों तीनों स्क्रीन्स, और यहाँ पर दो दो स्टोरेज भी आ चुकी है। यहाँ पर मैंने सारा खाना रख रखा है और यहाँ पर स्टोन्स में रखने वाला हूँ। और इन सीढ़ियों से हम जा सकते हैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जो पूरा का पूरा खाली है। इधर भी कुछ करना बाकी है पर उससे पहले हम यहाँ पर एक फाउंडेशन रखने का ट्राई करते हैं ताकि हम इस पे ऊपर आराम से चढ़ सकें। यहाँ पर हमने रख दी अपनी फाउंडेशन और गाइस इस सीढ़ी को मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। और यहाँ पर हमने अपनी सीढ़ी भी रख दी है, यहाँ से हम जा सकते हैं डायरेक्ट ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया करते हैं, हम इसको और भी ऊपर तक लेकर जा सकते हैं पर अभी मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा। तो हमने वहां पर जितनी चीजें थी वो यहाँ पर ऑलरेडी शिफ्ट कर दी क्योंकि हमारा ये नया नया घर होने वाला है। ये मार्स ही हमारा पूरा का पूरा नया घर होने वाला है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं अपने लिए डेस्कटॉप, चेयर, बेड, सोफा, कॉर्नर सोफा, टेबल, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज हम बना सकते हैं अपने लिए। मेरे पास आयरन यहाँ पर खत्म हो चुका है, बहुत सारे आयरन जमा करके मैं स्टोरेज यहाँ पर बना दूंगा बाद में। पर गाइस सर आज की हमारी प्रोग्रेस हमने बहुत ही ज्यादा कर दी है। सारी की सारी जो विंड टर्बाइन थी वो मैंने एक ही साथ रख दी है ताकि एकदम विंड टर्बाइन फार्म जैसे ये काम करे। यहाँ पर बहुत सारी दूंगा, कभी पावर जाएगी नहीं और ये हमारे लिए बढ़िया एनर्जी जनरेट कर ही रहे। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना ये गेम आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। अगर आप चाहते हो मैं इसको कंटिन्यू करें तो पार्ट 2 कमेंट में लिख देना। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही। ये था हमारा डे 16 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज। अगला गेम हम कौन सा खेलें फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम मिलेंगे आपसे डे 17 में अगले गेम के साथ। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।